डॉक्टर अबे ओहरी सहित तीन को भेजा जेल। रतलाम बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जेएस के कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद गुमान सिंह डामोर एवं ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस के द्वारा 19 नामजद और 50 से अधिक आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके चलते कल इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों में प्रमुख रूप से आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अबे ओहरी तथा तीन अन्य जेएस के नेता शामिल थे। जेल भेजने के पश्चात आज भी न्यायालय में सुनवाई जमानत के लिए रखी गई है, परंतु जमानत के पूर्व ही जेएस के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर अबे ओहरी की जेल में तबियत खराब होने का जब ओहरी ने बात की, तो जिसके चलते न्यायालय के आदेश से उन्हें रतलाम के जिला चिकित्सालय के कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूरे मामले में पुलिस के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा, पथराव, बलवा एवं अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ये वही डॉक्टर आनंद राय है जिन्होंने व्यापम घोटाला उजागर किया था। संसद गृह वाले मामले में आज फिर पेशी थी, क्या कुछ इसमें की आगे तारीख हुई है, आप जमानत मिल पाई है, किस तरह की? आज जिला न्यायालय में उक्त प्रकरण में जमानत याचिका लगी हुई थी, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश ने उसमें सुना है सभी पक्षों को और प्रशासन की तरफ से भी जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसका संज्ञान लेते हुए अभी जो हम लोगों के सामने जो उसमें निर्णय आया है, तो उसमें जमानत याचिका खारिज की गई है और सभी जो उसमें आरोपी हैं वो वर्तमान में जुडिशियल रिमांड पर ही रहेंगे। अगली पेशी कब तक? उसमें अग्रिम तिथि कोई बताई नहीं गई है, इनके सामने अब अन्य रास्ते खुले हैं, दोबारा आगे भी जो वरिष्ठ कोर्ट हैं वहाँ पर ये लोग लगाएंगे। स्वास्थ्य खराब हुआ था एक आरोपी का? जी हाँ, ये एक व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे इस तरह का पोस्ट कुछ व्यक्तियों द्वारा वायरल किया गया था कि डॉक्टर अबे ओहरी का स्वास्थ्य खराब है, तो मैं मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि उसमें एक और असत्य तथ्य ये बताया गया था कि उनका मेडिकल परीक्षण 26 घंटे तक नहीं हुआ, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सभी जो व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका तत्कालिक रूप से भी मेडिकल परीक्षण कराया गया था उसी समय विद इन 8 to 10 आवर्स। उसके बाद जब उनको जेल दाखिल करने से पहले भी पुनः मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इस तरह से कम दो बार सभी का मेडिकल परीक्षण हुआ है। साथ में डॉक्टर अबे ओहरी, क्योंकि हमें जानकारी में है कि विशिष्ट जो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो उनका कंडीशन है या पहले उनके स्वास्थ्य खराब था, जो कि इस कारण से उनका सुबह आज 10 बजे से भी उनका एहतियातन एक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और डॉक्टरों की टीम के द्वारा बहुत अच्छा उनका ख्याल रखा जा रहा है और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। एहतियातन उनके एक्स्ट्रा भी कुछ मेडिकल टेस्ट जो हैं वो भी कराए गए हैं। डॉक्टरों की टीम से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। इलाजरत हैं या जेल में? वो इलाजरत हैं, इलाजरत इस तरह से बताया जा रहा है क्योंकि उनके जो एक्स्ट्रा एक दो और टेस्ट जो एहतियातन है वो कराए गए हैं और उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसकी रिपोर्ट का समीक्षा करने के बाद डॉक्टर उसमें डिसीजन ले लेंगे कि वापस उनको जेल में रखना है या फिर उन्हें वास्तव में हॉस्पिटल वार्ड में रखना है। इसमें मेरी अपील है कि ये भी है कि किसी भी तरह का ये